ज्ञान लिटरेचर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे साधुओं की धुनी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। साधु से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है, जैसे साधुओं द्वारा जलाई गई धुनी। ये धुनी साधुओं की जीवन शैली का अभिन्न अंग है। इससे जुड़े कई तथ्य हैं जो आम लोग नहीं जानते। आज हम आपको साधु की धुनी के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। किसी भी साधु द्वारा जलाई गई धुनी कोई साधारण चीज नहीं होती है। इसे सिद्ध मंत्रों से शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। कोई भी साधु धुनी अकेले नहीं जला सकता, इसके लिए उसके गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। धुनी हमेशा जलती रहे यह जिम्मेदारी उसी साधु की होती है। इस कारण से हमेशा धुनी के आसपास रहना पड़ता है। अगर किसी कारण साधु कहीं जाता है तो उस समय धुनी के पास कोई सेवक या शिष्य रहता है। साधु के पास जो चिमटा होता है वो वास्तव में धुनी की सेवा के लिए होता है। इस चिमटे का कोई और उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि साधु धुनी के पास बैठकर कोई बात कहता है, कोई आशीर्वाद देता है तो जरूर पूरा होता है। नागा साधु जब यात्रा पर जाते हैं तब धुनी नहीं होती है, लेकिन जैसे कहीं डेरा जमाते हैं वहां सबसे पहले धुनी चलाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।